नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं इंडियन क्रेन के सामने जिसका नाम है AS-16XW। 1995 में लॉन्च हुई थी और ये 2019 का लेटेस्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ डीजल में आती है, रेंज शुरू होती है एक्स शोरूम 8,50,000 रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 14,50,000 रुपीज़। और ये टॉप मॉडल 16XW आप देख रहे हैं। मोबाइल क्रेन्स में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है एस, जिसका फुल फॉर्म है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये हाइड्रोलिक क्रेन है तो कुछ लोग इसको प्यार से हाइड्रा भी कहते हैं। जो सामान इंसान के हाथों से नहीं उठाया जा सकता उसको उठाने के लिए एस क्रेन को बुलाना पड़ता है। एस की पिक एंड कैरी क्रेन्स के अंदर आती है ये 16XW। इसकी 16 टन उठाने की कैपेसिटी है। 9 टन, 11 टन, 12 टन और 14 टन कैपेसिटी वाले मॉडल्स भी आते हैं। इसकी 16 टन उठाने की कैपेसिटी है। अलग अलग टन की कैपेसिटी के हिसाब से हॉइस्ट हैं, 16 टन, 14 टन, 12 टन, 8 टन, 5 टन, 0.5 टन। हॉइस्ट विंच हाइड्रोलिक मोटर से चलती है जिसकी 50 मीटर पर मिनट लाइन स्पीड है। 16XW की ब्रांडिंग है, एस का लोगो। कई ओनर्स अपनी क्रेन को चीता भी कहते हैं। हाइड्रोलिक्स हैं, ऊपर लाइट दी गई हैं दो। नीचे भी हाइड्रोलिक्स हैं इजी स्टीयर के लिए। रेडिएटर ग्रिल, उस पे एस का लोगो है। यहां पर भी दो लाइट्स दी गई हैं, वाइपर है। बूम तक 9 मीटर लेंथ है, फ्रंट टायर तक 5 मीटर लेंथ है, 3 मीटर हाइट है। सिर्फ बूम ऊपर करने तक 12 मीटर हाइट है और फुल बूम खोलने पर 20 मीटर हाइट हो जाएगी। 6.5 मीटर टर्निंग रेडियस है, 400 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और 14,200 kg ऑपरेटिंग वेट है 16XW का। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्रेन्स में से एक है एस 16XW। बूम के साथ 9 मीटर लेंथ है। आगे 4 20 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे। आगे और पीछे एयर ब्रेक्स हैं। जेके टायर कंपनी के टायर्स हैं 20 इंच के। पीछे 25 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे। पीछे भी जेके टायर कंपनी के टायर्स यूज हुए हैं। टायर स्पेक्स हैं शौकीन लोगों के लिए। एस का लोगो, टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, रोटो मोल्ड कैनोपी है रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ। केबिन के ऊपर भी लाइट दी गई है, एस कंपनी का लोगो है। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं तो इसकी नेक्स्ट जनरेशन पिक एंड कैरी क्रेन्स भी आती हैं। वो 12 टन से लेकर 30 टन कैपेसिटीज़ में आएंगी। लोडिंग, अनलोडिंग, मूविंग, शिफ्टिंग या किसी मटेरियल को खड़ा करने में काम आती है एस 16XW। और ये फुटस्टेप, टेल लाइट, टॉप स्पीड का स्टिकर,
कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। और बड़ी रिक्वायरमेंट है आपकी, तो इसकी क्रॉलर क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, ट्रक माउंटेड क्रेन्स और सिर्फ टावर क्रेन्स का भी ऑप्शन है। इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की पहली पसंद है एस क्रेन। दो डबल एक्टिंग लिफ्ट सिलेंडर्स, दो डबल एक्टिंग स्टीयरिंग सिलेंडर्स और दो डबल एक्टिंग एक्सटेंशन सिलेंडर्स का हाइड्रोलिक सिस्टम है। सिर्फ एक ऑरेंज कलर ही आता है एस क्रेन में। हैवी ड्यूटी सिंगल ड्राई फ्रिक्शन सेरामेटालिक क्लच प्लेट है डायफ्राम टाइप प्रेशर प्लेट के साथ। सेफ्टी के अंदर ऑडियो ओवरलोड इंडिकेशन, होज फेलियर प्रोटेक्शन, ऑडियो ओवर हॉइस्टिंग इंडिकेशन, सिलेंडर गार्ड्स, फायर एक्सटिंग्विशर और हॉइस्ट पे सेफ्टी ब्रेक्स मिलेंगे। वैसे भी इस क्रेन से लोग अपने आप ही दूर चलते हैं, तो आप वैसे ही सेफ हैं। एस का लोगो। हॉर्न्स हैं, डीजल यहाँ से भरेंगे, ऑयल लेवल यहाँ से चेक होगा, सिंगल वाइपर है। नौ टन से लेके 14 टन तक की कैपेसिटी वाली पिक एंड कैरी क्रेन्स आती हैं। ये 16 टन का टॉप मॉडल देख रहे हैं। और यहाँ पर आएगी टूल किट। और यहाँ से होगी ग्रैंड एंट्री। ग्लास डोर है। विनाइल अपॉल्स्ट्री है। लीवर टाइप स्टेयरिंग आता है, प्रॉपर स्टेयरिंग व्हील ऑप्शन में लगवाना पड़ेगा। प्लेन रोटो मोल्ड कैनोपी है। ये क्लच से रिलेटेड कुछ वार्निंग्स हैं। ये स्टेयरिंग का लीवर है, उसके बगल में बूम ऊपर नीचे करने के लिए, बूम एक्सटेंशन और हॉइस्ट को हाई लो करने के लीवर्स हैं। कुछ टेलीस्कोपिक वार्निंग, कुछ और वार्निंग्स हैं यहाँ पे। और ये एक्सलरेटर, ब्रेक और क्लच। और ये है स्लाइडिंग मैश 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दो रिवर्स गियर के साथ। ये हाई लो ट्रांसफर केस। ये बैटरी है एक्साइड की, केबिन के अंदर ही बैटरी दी गई है। ये आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम, स्टैंडर्ड नहीं आता है। ये इंजन स्टॉप करने का लीवर है। ये लाइट्स के कंट्रोल हैं। ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं और कुछ लाइट के बटन्स हैं। और ये है वाटर टेम्परेचर। ये इंजन ऑयल प्रेशर। और ये आरपीएम मीटर आर रिकॉर्डर के साथ। और ये डिपर के लिए एयर प्रेशर है ये। और ये फ्यूज़ बॉक्स है। इंडिकेटर के लिए ये भी लाइट के कंट्रोल्स हैं, केबिन लाइट, ऑन का बटन, स्टार्टर। ये वाइपर की मोटर।
आइए देखते हैं इंजन। इंजन ओपन करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसके सारे बोल्ट्स खोलने पड़ते हैं हुड के। 3300 सीसी इनलाइन फर्स्ट सिलेंडर वाटर कूल्ड एस A65 CEV BS3 डीजल इंजन आएगा। 61 हॉर्स पावर है, लगभग 300 Nm टॉर्क है, 3.5 लीटर पर आर का एवरेज मिलेगा 45 लीटर के फ्यूल टैंक से और लगभग 28 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है। एस कंपनी का A65 CEV BS3 डीजल इंजन है ये, इनलाइन फोर सिलेंडर, 61 हॉर्स पावर है और लगभग 300 Nm टॉर्क है। आइए अब इस गाड़ी की वर्किंग एबिलिटी देखते हैं। इस टेलीस्कोपिक बूम में तीन पार्ट हैं जो हाइड्रोलिकली ऑपरेट होते हैं। ये एक बूम बाहर निकल रहा है, उसके अंदर दूसरा बूम है और उसके अंदर तीसरा बूम है। 18 सेकेंड टेलीस्कोपिक टाइम है, -3 डिग्री से लेकर 66 डिग्री तक बूम ऊपर नीचे हो सकता है जिसमें 20 सेकेंड लगेंगे। 800 mm के स्ट्रोक सिलेंडर्स आपको देंगे प्रॉपर स्टेयरिंग हर रोड कंडीशंस में। हैवी ड्यूटी लिफ्ट सिलेंडर्स हैं बेस्ट लिफ्टिंग कैपेसिटी के लिए। बिना बूम को ओपन किए हुए 12 मीटर हाइट है और 9 मीटर लेंथ है और पूरा बूम ओपन करने पर 20 मीटर हाइट है और 18 मीटर लेंथ हो जाएगी। ये फुली 20 मीटर तक बूम्स निकल आते हैं बाहर। सोलह टन XW के बूम्स तो काफ़ी लंबे हैं, कानून के हाथों से भी ज़्यादा लंबे। बूम्स पे भी पॉइंटर्स के हिसाब से ही वेट लिफ्ट करना ज़रूरी है, थोड़ी सी गलती और बहुत बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। और ये बूम्स अब अंदर जा रहे हैं वन बाय वन। तीन बूम्स हैं 16XW में जो फुली ओपन होने पर 20 मीटर तक हाइट कैच कर लेते हैं। हैवी ड्यूटी लिफ्ट सिलेंडर्स हैं बेस्ट लिफ्टिंग कैपेसिटी के लिए। और क्रेन ऐसे घूम भी सकती है पूरा हाइड्रोलिक्स की मदद से। दोनों साइड घूम सकती है। विंच की मदद से काफी नीचे तक कर सकते हैं आप इस हुक को। एस क्रेन्स इंडिया की सबसे फेमस
क्रेन्स आइए अब लीवर स्टेयरिंग की ड्राइव देखते हैं, काफी स्मूथ और इजी ऑपरेशन है। लीवर स्टेयरिंग कार्स में भी आना चाहिए एडवेंचरस ड्राइवर्स के लिए। स्टेयरिंग व्हील भी आप ऑप्शन में लगवा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी है लीवर स्टेयरिंग ऑपरेट करने में स्टेयरिंग व्हील के मुकाबले। तो कैसे लगी आपको AS16XW क्रेन हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।